मेजरमेंट है ये, मतलब ये मुंगड़ा धुली हुई, मतलब येलो मुंगड़ा, येलो मुंगड़ा ये हाफ कप से सपाटी एक, और बंगाल ग्राम डालिया वो भी सपाटी एक, ये सेम कप जो कप से अपन ने मुंगड़ा लिया वही कप से डालिया भी लेने का। फिर शुगर वो कप से डेढ़ कप शुगर, और मेल्टेड घी, मेल्टेड घी एक कप अप्रोक्सीमेटली आएगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है पकड़ने के हिसाब से, लड्डू पकड़ने के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। ये इलायची पाउडर 1 स्पून। ओके, फर्स्ट हम लोग क्या करेगा, ये मूंग दाल का फ्राई करेगा सिम गैस में, इसको फ्राई करने का, थोड़ा से रेडिश होना चाहिए, एट द सेम टाइम जलने का नहीं, और उसको गुड अरोमा आएगा तब तक इसको रोस्ट करना है। रुकने का नहीं, सारी का हाथ हिलाते रहने का, तब तो वो जलेगा नहीं, दाल जलेगा नहीं, इसलिए इसको कंटिन्यू स्टर करना पड़ेगा। अभी गैस बंद करने का, बंद करके वो गरम में ही ये दालिया को ऐड करने का उसको। इसको थोड़ा ठंडा होने दो, फिर इसको मिक्सर में पीस के छान के, छलनी से छान के लेने का पाउडर। अभी शुगर को मिक्सर में डाल के पाउडर बनाना है, पाउडर शुगर पाउडर को अलग से रख लेना, फिर वो दाल ठंडा हो गया तो उसको पीसने का। ये शुगर पाउडर तैयार है, इसमें इलायची भी मिक्स करके रखा मैंने, इलायची पाउडर भी। दाल को मिक्सर में डाल के अच्छा बारीक पीसना, अभी छलनी से छानने का। शुगर पाउडर इसमें मिलाने का, अच्छा से मिक्स करने का इसको पूरा। फिर थोड़ा घी को गरम करके मेल्टेड घी डाल के जल्दी जल्दी पकड़ लेना लड्डू बनाने का। घी को थोड़ा सा मेल्ट करके गरम होने देने का, घी को थोड़ा, घी कितना डालना थोड़ा अंदाज डालना पड़ेगा घी को। घी थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, एक बोली में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है घी। एक कप में घी में हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, फिर भी थोड़ा ज़्यादा रखे फिर बाद में अपन उसको यूज़ कर सकता है, लेकिन एक कप में हो जाता है, एक कप मिल्ट घी में हो जाता है।
अच्छे से मिक्स करने का। बढ़िया गर्म है घी, इसलिए ये कड़ची से कर रही हूँ। थोड़ा ठंडा होने के बाद अभी लड्डू पकड़ने का हिसाब, घी थोड़ा ज़्यादा होने से लड्डू इसी से पकड़ जाता है और टूटेगा भी नहीं। इसमें जिसको पसंद है काजू बीजू किशमिश वगैरह, काजू नहीं तो बादाम डाल सकता है। लड्डू बनती है छोटा बड़ा अपने हिसाब से बनाएगा तो, और इससे छोटा बनाएगा तो ये 20 तक भी बना सकता है। वाओ वेरी यम्मी।